हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिग किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी? सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट? नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं। हार गए? हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, हो, 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 क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुंचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो क्या हम आपकी मदद करें? नहीं पापा, तुम्हें कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। और जॉर्ज, तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पापा रुको। माफ करना मम्मी, मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रही थी क्या नहीं करना चाहिए। ओह डियर, कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है। डैडी पिग, डैडी पिग। क्या बात है मम्मी पिग? डैडी पिग, आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं? जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी। ठीक है मम्मी पिग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ओह शुक्रिया डैडी पिग। डैडी पिग कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूं। डैडी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया। हुर्रे डैडी। हाँ, मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। डैडी, क्या हम वो कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, हैप्पी मिसेस चिकन? मेरे ख्याल से तुम्हें मम्मी से पूछना चाहिए। मम्मी ने कहा हम बाद में खेल सकते हैं। फिर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहाँ है। अब मेरी बारी है। ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हाथ है। डैडी पिग, आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पापा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा।
पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी। अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए पेपा, मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओह हाँ बिल्कुल, हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो, गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो हो गया। पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है। इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं। हरे बटन से क्या होता है डैडी? चलो देखते हैं। जादुई खिड़कियाँ। डैडी, जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओह नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ। ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिग पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिग भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबा कर देखते हैं। हुरे! लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। प्यारा और सुनहरा दिन है। पेपा और जॉर्ज पिकनिक मना रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस। क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक यू पेपा। ओ कोई बात नहीं टेडी। और ये है ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए डायनासोर। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डायनासोर। क्या टेडी और मिस्टर डायनासोर को कुकी चाहिए? ओ हमें बहुत भूख नहीं है, इसीलिए पेपा और जॉर्ज सारी कुकीज खा सकते हैं। थैंक यू टेडी। ये अजीब आवाज कैसी? पेपा, जॉर्ज, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। मम्मी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है पेपा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा। जल्दी बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आओ। ओ, घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है। पापा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है,
मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। डैडी, मैंने डैडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो पेपा, डैडी पिक तुम्हारा डैडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पापा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग। क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। कैसे हो दोस्तों? हेलो पापा। हेलो सूजी, मैं हूँ राजकुमारी पापा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ नर्स सूजी। मुंह खोल कर कहिए आ आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर। पापा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पापा। हेलो पापा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। डायनासोर। ओहो, जॉर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? ये पापा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पापा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट। क्या हम फोटो लगाने में आपकी मदद करें डैडी? पहले तुम देखो, तभी तो ठीक से सीख पाओगे।
पहले नापने के लिए टेप लेते हैं और एक पेंसिल। यहाँ पर मैं एक किला मारूंगा। दीवार मत तोड़ देना डैडी। अब मुझे जरूरत है एक हथौड़े की और एक किले की। पीछे हट जाओ बच्चों और देखो मैं कैसे काम करता हूँ। डैडी पिग अब दीवार में कील मारने वाले हैं। दीवार मत तोड़ देना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा। कितना आसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डैडी पिग की वजह से दीवार में बड़ी दरार आ गई। डैडी आपने दीवार तोड़ दी। एक छोटी दरार ही तो है, ये फोटो उन्हें छिपा देगी। देखा हो गया। मुझे अब भी दिख रही है डैडी। मुझे भी। एक काम करते हैं, इसे निकालते हैं और ये दरारें भर देते हैं। कचरा मत करना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा। तो, आ जाओ बाहर जल्दी। ओ डैडी, अब आपने सचमुच दीवार तोड़ दी। आपको लगता है मम्मी को पता चलेगा? हाँ, शायद पता चल ही जाएगा। जल्दी करो जॉर्ज। वो क्या कर रहे हैं? डैडी, हम आपको देख सकते हैं। डैडी पिक को मम्मी पिक के घर लौटने से पहले दीवार को ठीक करना होगा। एक ईंट दे दो। डैडी पिक ने पहले ईंटों से दीवार को ठीक कर दिया। अब जॉर्ज तुम पकड़ो। ओहो, जॉर्ज छोटा है इसलिए बॉल नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं जॉर्ज, क्या तुम्हें और पेपा को समंदर में तैरना है? हाँ डैडी प्लीज। तो चलो अपने वाटर विंग्स पहन लो। अब तुम तैयार हो। वाटर विंग्स में तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो। मेरी बारी, मेरी बारी। हो गया। अब तुम पानी में जा सकते हो। पानी ठंडा है? ये बहुत ही अच्छा और गर्म है। आराम से। आप ही ने शुरुआत की डैडी पिग। अब और कितना छिड़कोगी? डैडी, मुझे बीच पर आना बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को बीच बहुत पसंद है। सभी को बीच बहुत पसंद है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम इन चीजों के साथ रेत में खेलना चाहोगे? हाँ मम्मी, खेलेंगे। डैडी डैडी, क्या हम आपको रेत में छुपा सकते हैं? अभी? प्लीज डैडी। ओ चलो ठीक है। ये! पेपा और जॉर्ज डैडी पिक को रेत में छुपा रहे हैं। आराम से। हो गया, अब आप नहीं निकल पाओगे। मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है, क्या मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? ठीक है, पहले प्लीज बोलिए। प्लीज मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी डैडी। क्या मैं इसे पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है। सूजी शीप की मम्मी के पास एक मूवी कैमरा है, वो उसे ऐसे स्विच ऑन करती है। ओहो शाबाश पेपा। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी पहली मूवी शूट करने के लिए बेताब हूँ। क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है। मूवी 3000। अब वो आवाज नहीं आएगी। शाबाश पेपा। तो पहले किसका वीडियो लूं? डैडी मेरा लीजिए। ओके पेपा। हेलो।
हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। चलो आ जाओ सब लोग। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। अच्छा ठीक है। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं जानती हूँ, डैडी पिग आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी, पापा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं, तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया। डैडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो। अरे वाह! देखो हमारी लिस्ट में चार चीजें हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल। मैं सब ढूंढ लूंगी। इस तरफ। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग बहुत पसंद है। पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं। मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ये देखो टमाटर मम्मी। शाबाश पेपा। एक, दो, तीन, चार। अब उन्हें ट्रॉली में डालो। मुझे टमाटर मिल गए। शाबाश पेपा। टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई है। अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स। नूडल्स। सही कहा जॉर्ज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं। नूडल्स। नूडल्स पेपा और जॉर्ज का पसंदीदा खाना है। अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे? मुझे दिख गए, इस तरफ। नूडल्स। देखो मम्मी, ये रहे नूडल्स। शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से इन्हें ट्रॉली में डालो। ठीक है मम्मी। नूडल्स। जॉर्ज, इसे कहते हैं नूडल्स। अब लिस्ट में आगे क्या है पप्पा? चिप्स। चिप्स तो लिस्ट में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पप्पा। जरा याद करो। मुझे नहीं याद आ रहा डैडी। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज? डायनासोर। डायनासोर? जॉर्ज, यहाँ पर डायनासोर नहीं मिलता बुद्धू। आज मेरा बर्थडे है। जॉर्ज उठो, मेरा बर्थडे है। आज मेरी पार्टी है और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। जल्दी चलो जॉर्ज, मम्मी और डैडी को उठाते हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग अभी भी सो रहे हैं। उठिए, मेरा बर्थडे है। उठिए। कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है। सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, पूरा दिन खत्म हो रहा है। चलो तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं। यप्पी! मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपा। क्या है इसमें? गुड़िया का ड्रेस। मैं इसे डैडी को पहनाती हूँ। आप सबको थैंक यू। खुश रहो पेपा। मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है। ओ डैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है? मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है, थैंक यू। कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना। तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है। तुम सबको बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ। बुद्बाजाओ। हाँ, अद्भुत जादूगर।
डैडी तो पूरे हफ्ते से अपने जादू के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त आ गए। पेपा के दोस्त आ गए, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्त, हैप्पी बर्थडे पेपा। चलो बच्चों, पार्टी शुरू हो रही है। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डायरी पे कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग? पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मम्मी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पापा। पापा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है, जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना, मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो। मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे ना, तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पेपा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पापा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है, पापा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये
डैडी पिक का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओ डैडी पिक, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है जॉर्ज। ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी, इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। पेपा ठीक कहती है, ये बिल्कुल नहीं बजता। कोई बात नहीं डैडी पिग, आप सिर्फ अकॉर्डियन बजाओ। आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, मैं इसे अच्छा बजाता हूँ, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं अपना वायलिन बजाऊंगी। और मैं ड्रम बजाऊंगी। मम्मी पिग वायलिन बजाती है। जॉर्ज। ओह डियर, जॉर्ज के हिचकियों से खेल बिगड़ रहा है। जॉर्ज, मैं जानती हूँ हिचकियाँ कैसे ठीक करनी है। तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ। अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो। बढ़िया, अब तुम्हारी हिचकियाँ बंद हो गई। पेपा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया। जॉर्ज, ये तुमने बिल्कुल गलत किया। मुझे हिचकियाँ ठीक करने का अच्छा तरीका आता है। पहले एक टांग पर 3 बार ऊपर नीचे कूदो। अब अपना हाथ हिलाओ ऊपर और नीचे और अपनी जीभ बाहर निकालो। और अब अपनी आंखें बंद करो और तेजी से घूमो, सिर्फ 3 बार। पेपा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया। जॉर्ज को अभी भी हिचकियां आ रही हैं। मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज। बीमार पिगी को एक शौक दिया जाना चाहिए। जॉर्ज, मैं तुम्हें डराने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना ये सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। याद रखना, ये सिर्फ डराने का खेल है। पेपा, तुम्हें जॉर्ज के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है। माफ करना मम्मी, मैं जॉर्ज की हिचकियाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज की हिचकियाँ बंद हो गईं। पेपा, ध्यान से, डैडी का पंपकिन। सॉरी डैडी। देखो जॉर्ज को, वो कितने धीरे चला रहा है। जॉर्ज अभी तक बच्चों की साइकिल चलाता है। तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकिल है पेपा, इसमें भी बैलेंसर लगे हैं। मैं बिना बैलेंसर के चला सकती हूँ। मैं भी। चलो फिर से पहाड़ी पर चढ़े। तुम आओगी पेपा? नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। बाय बाय। बाय। पेपा चाहती है कि उसकी साइकिल में बैलेंसर ना लगे हों। डैडी, मुझे अपने साइकिल में बैलेंसर नहीं चाहिए। तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ। ठीक है पेपा, इसे निकाल देते हैं। डैडी पिग पेपा की साइकिल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं।
क्या तुम सच में बिना बैलेंसर्स के चला पाओगी? हाँ। मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी। मैं चला सकती हूँ। हाँ, हाँ। इसमें हंसने जैसा क्या है? बिना बैलेंसर के साइकिल चलाना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करूं पेपा? हाँ डैडी प्लीज। ठीक है, रेडी स्टडी गो। छोड़ना मत डैडी। घबराओ मत, मैं पकड़े हुए हूँ। काफी अच्छा चला रही हो पेपा। छोड़ना मत डैडी। बस पैडल चलाती रहो। पेपा बिना बैलेंसर के साइकिल अपने आप चला रही है। डैडी आपने मुझे छोड़ दिया। तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो। सच में? तुम सचमुच बहुत अच्छा चलाती हो। सच में? ओ मैं चला सकती हूँ। देखो मुझे, देखो मुझे, मैं साइकिल ठीक से चला सकती हूँ। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरेट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरेट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरेट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरेट बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं हूँ पॉली पैरेट। पेपा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पेपा को मिला है एक छोटा गड्ढा, जॉर्ज को भी मिला है एक गड्ढा। देखो जॉर्ज कितना बड़ा गड्ढा है। जॉर्ज बड़े गड्ढे में पहले कूदना चाहता है। रुको जॉर्ज, पहले मैं देख लूं ये सुरक्षित है या नहीं। अच्छा है, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है। सॉरी जॉर्ज, ये बस मिट्टी तो है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। आओ जॉर्ज, हम जाकर डैडी को बुलाते हैं। अरे ये क्या? डैडी डैडी, सोचो हम क्या कर रहे थे। सोचने दो मुझे, तुम लोग टेलीविजन देख रहे थे क्या? नहीं नहीं डैडी। तुम अभी अभी नहाए हो? नहीं नहीं। ओ अच्छा, तुम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हाँ हाँ डैडी, हम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे।
हो, और देखो क्या हाल किया है तुमने। ओ। कोई बात नहीं, मिट्टी ही तो है। चलो जल्दी से साफ कर दे वरना मम्मी नाराज होंगी। डैडी, साफ होने के बाद आप और मम्मी हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ, सब गार्डन में खेल सकते हैं। पापा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी? पापा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज। वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पापा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया। अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पापा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज, यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? पापा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओ डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर शानदार। डायनासोर सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पापा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है। अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ नहीं है। ओह,
जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिक के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिक का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है, अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिक के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है
लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं, चश्मा टब में नहीं है, चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ, फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? पकड़ो जॉर्ज। ओह, छूट गई। जॉर्ज ने बॉल पकड़ ली। अरे! शाबाश जॉर्ज, अब तुम पेपा की तरफ बॉल फेंको। ओह, फिर कोशिश करो। ओह, कोशिश करो। जॉर्ज मम्मी के ऊपर से बॉल नहीं फेंक पा रहा है। जॉर्ज, बॉल मुझे दे दो। क्या बात है जॉर्ज, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पेपा जॉर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और फंस जाती है। बॉल मेरे पास है पेपा, अब पिगी बनने की तुम्हारी बारी है। जॉर्ज पकड़ो। हुर्रे! पकड़ लिया। जॉर्ज अब तुम बनो पिगी। जॉर्ज पकड़ो। बॉल को पकड़ो जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। जॉर्ज पकड़ो। बॉल यहाँ है जॉर्ज। ओह डियर, पेपा, तुम्हें जॉर्ज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। माफ करना जॉर्ज। ये शोर कैसा है? डैडी, जॉर्ज पिगी मेरे खेलने के लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ वो काफी बड़ा है। नहीं वो नहीं है डैडी, ये देखिए। इसे पकड़ो जॉर्ज। ये ठीक नहीं है।
हाँ ये ठीक है, मैं सिर्फ जॉर्ज की मदद कर रहा था। देखो वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू, चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ, बचाओ, कोई इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज जब मैं छोटा पिगी था मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा जॉर्ज अब क्या कर रहे हैं? हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ, मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। नहीं जॉर्ज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है, जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ।
और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पापा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पापा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? जॉर्ज। पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है, और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ।